चार पाँच महीने तक चक्का जाम रहने के बाद आखिरकार राज्य सरकार के निर्देश पर मंगलवार से गिरिडीह बस स्टैंड से बसों का परिचालन विभिन्न स्थानों के लिए शुरू कर दिया गया। इस दौरान रांची, धनबाद, कोलकाता आदि गंतव्य की बसें यहां से प्रारंभ की गई। बताया गया कि सरकार के निर्देश के मुताबिक बसों का परिचालन शुरू किया गया है। हालांकि निर्देश के मानकों के अनुपालन की वजह से बसों का किराया दोगुना हो गया है। इस बाबत जिला बस मालिक संघ के सचिव राजू खान ने बताया कि एसी बस में रांची का किराया पहले 350 था, अब उसे बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया है। वहीं नॉर्मल बस का 250 रुपए किराया था, उसे 500 रुपए किया गया है। इधर धनबाद तक के बस का किराया 70 रुपए था, उसे 140 रुपए कर दिया गया है। वहीं बोकारो का किराया पहले 120 रुपए लिया जाता था, अब बोकारो तक का किराया 240 रुपए लिया जाएगा। इसी तरह कोलकाता का निर्धारित किराया 300 रुपए था, उसके स्थान पर अब यात्रियों को 600 रुपए किराया भुगतान करना पड़ेगा। कुल मिलाकर प्रति यात्री किराया को दोगुना कर दिया गया है और एक सीट पर अब एक ही यात्री बैठकर यात्रा करेंगे। बताया गया कि बस में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा रहा है। पहले कितना भाड़ा था? 350 ये है आपका रांची का एसी बस का? एसी बस रांची का? हाँ। नॉर्मल बस का? नॉर्मल बस का 250। ये भी ये रांची का भाड़ा चल रहा है? हाँ। और धनबाद का? धनबाद का जो है सो धनबाद का कितना भाड़ा? गिरिडीह धनबाद मिश्रा जी, गिरिडीह धनबाद 70 रुपया। ये नॉर्मल बस की? एसी बस? नहीं, नॉर्मल बस, एसी बस धनबाद नहीं है। नॉर्मल ये कब लागू हुआ था ये भाड़ा जो मतलब ये सब बनी थी, ये कब लागू हुआ? पहले से चल रहा था। कितना पहले, कुछ पता? लॉकडाउन से पहले मतलब साल भर हो ही गया होगा। एक साल पहले? हाँ, 1 ईयर। देखो, हाँ ठीक है। और यहाँ बोकारो का? बोकारो का कितना था? बोकारो का 120।